بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। मेरे पाकिस्तान के बुजुर्ग ख्वातीन और हजरात पेंशनियर्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का नहायत शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसकी करम और मेहरबानी से हमें अभी तक ज़िंदगी की नेमत हासिल है, और ये कि उसी मालिकुल मुल्क ने हमें अपने मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करने का मौका अता फरमाया, जिसमें हमारी कोशिश और उसका फ़ज़ल शामिल हाल था, और उसके फ़ज़ल व करम से अल्लाह की दी हुई जवानी इस ममलकत खुदादाद की खिदमत में गुजारी, और उसी खिदमत गुजारी में हमारे बाल सफ़ेद और जिस्म कमज़ोर और लागर हो गए, और हमें पेंशन पर घर भेज दिया गया, और इसी पे बेचारगी और लाचारगी की ज़िंदगी में कोई परसान हाल न। इन हालात में हम अल्लाह ताला के शुक्र अदा करते हैं कि एक मसीहा हफीज़ सब्ज़वारी साहब आल पाकिस्तान पेंशन एसोसिएशन एपा की बुनियाद डालकर पेंशनियर्स को एक मज़बूत प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया, जो कि तमाम पाकिस्तान भर के तमाम महकमों के पेंशनियर्स को एक प्लेटफॉर्म पर ले आकर सबके मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए सर तोड़ कोशिशों में मसरूफ़ हैं। मैं तमाम पेंशनियर्स की तरफ से मरकज़ी चेयरमैन जनाब हफीज़ सब्ज़वारी साहब और मरकज़ी सदर जनाब कायम अब्बास साहब और उनके रफ़का की इन कोशिशों पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं आल पाकिस्तान पेंशनियर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हुकूमत वक्त के हाकमों को कुछ गुजारिशात पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। जनाब आली, इस दिन तक पहुँचने में हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत से कड़े लम्हात देखने पड़े हैं। बच्चों से दूरी, अपने आबाई शहरों कस्बों और महल्लों से दूरी, रिश्तेदारों के गमी और खुशियों की तकरीबात से दूरी, और बार केसेस में ज़िंदगी से दूरी शामिल हैं। इस ज़मन में अर्ज़ करता चलूं कि हुकूमत पाकिस्तान हमारी इन खिदमात के बदले में बाद अज़ रिटायरमेंट हमारी ज़िंदगी के मुश्किलात को आसान बनाने के लिए आईन पाकिस्तान के तहत कलील सा वजीफ़ा पेंशन के नाम पर देता है। ये न तो किसी का एहसान है और न खैरात, बल्कि दस्तूरी पाकिस्तान ने हमें हमारी बेवाओं और यतीमों को यह हक़ दिया है। मेरा उन अरबाबान इख्तियार से जो किसी भी हसीयत में पेंशनियर के मामलात के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे कुछ सवाल हैं। क्या आज की पेंशन महंगाई के तनासिब से सही है? क्या पेंशन की बढ़ोतरी महंगाई के तनासब से होती है? क्या आप पेंशनियर को इनका पूरा पूरा कानूनी हक अदा कर रहे हैं? अगर जवाब नहीं में है तो ये किसके फ़राइज़ में शामिल है? मेरी आल पाकिस्तान पेंशनर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से मौजूदा हुक्मरानों, वज़ीर आज़म और दीगर स्टेक होल्डर्स से पुरज़ोर मुतालबा है कि जिस तरह हुकूमत ने सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाह में 25% का इजाफ़ा किया, इसी तरह पाकिस्तान के तमाम वफाकी और सूबाई पेंशनर्स के पेंशन में 25% का इजाफ़ा मार्च 2021 से फिलफोर कर दे, और सालाना बजट में महंगाई के तनासब से इजाफ़ा किया जाए। जनाब आली, अगर आप इन गरीब पेंशनर्स को ये हक नहीं देंगे तो वो दिन दूर नहीं कि गरीब और लाचार पेंशनर्स अपने हक को लेने के लिए सड़कों पर निकल आएँ। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम, आपका खादिम मोहम्मद मुनीर खट्टक, एक अदना कारकुन एपा इस्लामाबाद। शुक्रिया।